नमस्कार पत्रिका के लिए मैं शुभमणि त्यागी। हमारे साथ आज कुंवर अर्णव सिंह चैंपियन है और आपने अभी तक उनको देखा होगा सोशल मीडिया राजनीति जो उनका पृष्ठभूमि है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे जैसे अभी हमने आपका नाम बोला कुंवर अर्णव सिंह चैंपियन, ये चैंपियन जो बात में लगा पहले उसके बारे में। बिल्कुल सर, पहले तो आपको बहुत बहुत आभार त्यागी जी, आप शांतिपुर से आए हैं, आपका स्वागत है हमारे। देखिए मैं आम रेसलिंग में लगातार हेवी वेट चैंपियन रहा, 110 केजी वेट से ऊपर, और मैंने ओपन टाइटल चैलेंज भी जीता है कि चैंपियन ऑफ चैंपियंस, 13 खिलाड़ियों और आकर राष्ट्रीय स्तर पर मैं ये टाइटल जीता। तो ये एज अ तखल्लुस, एज अ मेरा टाइटल लगता है चैंपियन, ये कोई खाली तखल्लुस की तरह से नहीं है बल्कि एक जीता हुआ टाइटल, एक एपिथेट नहीं है, एक टाइटल, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। मुझसे सवाल आदरणीय राष्ट्रपति महोदय से लेकर के बहुत से लोगों ने पूछा कि चैंपियन को लेकर, जैसे हमारे नेता थे समाज के स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी, वो एयरफोर्स में पायलट थे तो पायलट लिखते थे, मैं चैंपियन आम रेसलिंग में रहा हूँ, हैमर थ्रो में भी रहा हूँ, शॉर्ट को डिस्कस थ्रो में भी, इसलिए मैं नाम के साथ चैंपियन लिखा। खिलाड़ी राजनीति में आए तो क्या कुछ अलग होता है? बहुत कुछ अलग होता है, क्यों? क्योंकि खिलाड़ी रहता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से, अपने जीवन का जो दर्शन, खिलाड़ी का उत्साह, आप जीत जाएं तो अति उत्साहित ना हो, हार जाएं तो हतो उत्साहित ना हो, एक सामंजस्य है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से महाभारत के दौरान गीता के में वर्णन किया है, स्थिर प्रज्ञ। तो मनुष्य अगर स्थिर प्रज्ञ है अपने कर्म को चरम उत्कृष्ट ले जाता है, परिस्थितियां उसको गुलाम नहीं बना सकती, यही चाहे राजनीति में हो, समाज सेवा में हो, बिजनेस में हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव कैरियर में हो, अगर आप स्थिर प्रज्ञ हैं तो आप अपनी जनता का बहुत भला कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं बड़े स्तर का, जो मैंने किया। मैं खाली विधायक था और मेरी विधानसभा से डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तीन तीन बार के कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके थे, विकास के नाम पर शून्य था, लेकिन मैंने जो वहां करके दिखा दिया वो खाली ऐसा विकास नहीं कि सड़क खड़ंजे पुलिया बना दिया, अवस्थापना विकास, बिजली घर का निर्माण, डिग्री कॉलेज का निर्माण, अस्पताल का निर्माण, बांध का निर्माण बाढ़ निषेध के लिए, पुलिस थाने का निर्माण, सड़कों की तो गिनती नहीं थी, स्कूल खुलवाए, बिजली लाया, ये सब फर्क पड़ता है स्पोर्ट्समैन होने का। देखिए सर, ऐसा है लगातार 20 साल तक विधायक रहना भी कम बात नहीं, एक ही क्षेत्र से, हमारे उत्तराखंड में परिपाटी है और जगह भी है, ये लोग अपना क्षेत्र बदलते हैं, लेकिन मैंने 7 चुनाव जीते हैं, 3 जिला पंचायत के भी धर्मपत्नी जीते हैं, रानी देवानी सब 4 महीने विधायक के जीते हैं, एक ही क्षेत्र से जीते हैं 7 चुनाव, जो उत्तराखंड में कीर्तिमान है। और हुआ इस बार ये था कि मेरे पैर के लिगामेंट टूट गए, तो मैं बेड रिडन था 2 महीने के लिए, बेड रिडन यानी कि दिसंबर जनवरी और फरवरी 10 को पोलिंग हो गया, तो मैं क्षेत्र में जा ही नहीं सका, छड़ी के बल पे लेके चला मैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं था क्योंकि ना लोगों से मिल सके ना कुछ कर सके। दूसरा कारण था भाजपा का भीतराघात, हमारे संगठन द्वारा भीतराघात किया गया था जिसका बहुत नुकसान पहुंचा। तीसरा कारण था कि कुछ गैर जिम्मेदार युवा थे गुर्जर समाज के, उन्होंने गुर्जर के बोर्ड मिहिर घोष जो गुर्जर सम्राट के बोर्ड लगा दिए, ये गुर्जर गांव, ये गुर्जर गांव, तो गुर्जर बिरादरी को सिर्फ 10% है मेरी विधानसभा, 90% और बिरादरी, तो खानपुर में चुनाव एंटी गुर्जर। इन 3 कारणों से चुनाव का ऐसा हुआ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, 4,000 वोट का बड़ा डिफरेंस नहीं होता, अगर मेरा पैर ठीक होता तो मैं 2 दिन में 4,000 वोट पूरी कर लेता, लेकिन कोई बात नहीं, ये शायद इट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, और सहारनपुर के संसदीय चुनाव का दरवाजा शायद मेरा इसलिए खुला। सहारनपुर की जनता के लिए आपका क्या मिस किया, क्या लगता है कौन सा ऐसा विकास सहारनपुर में रह गया जिसको आप सांसद के लिए पूरा करें? बहुत अच्छा सवाल है तैयारी जी। देखिए साहब, सहारनपुर एक ऐतिहासिक शहर, उसने मुगलों का समय देखा, अंग्रेजों का समय देखा, आजादी देखी, कांग्रेस देखी और अब मोदी को देखा। कांग्रेस, मैं बता रहा हूं आपसे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया सहारनपुर के लिए, यहाँ पर कास्ट उद्योग से फेमस, लकड़ी के उद्योग के यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट वगैरह है जिससे फेमस हो जाता है। मेरी ये इच्छा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ पे ला सकूं, एक औद्योगिक क्रांति ला सकूं जिससे यहाँ की बेरोजगारी दूर, अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो, यहाँ के युवाओं को नौकरियां मिल सके, फैक्ट्री हो, उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल यहाँ परिवर्तन ला सके। शिक्षा 3 तरह की, एक तो लिटरेरी एजुकेशन, आपने एमए कर लिया, एमएससी कर लिया, पीएचडी कर लिया लिटरेरी, सेकेंड इज द प्रोफेशनल एजुकेशन या वोकेशनल एजुकेशन, रोजगार परक शिक्षा जिसमें एमबीए एमबीबीएस आप इंजीनियरिंग वो करें, तीसरी है कॉम्पिटेटिव एजुकेशन, आप डिफेंस सर्विसेज में एनडीए आईआईएम में जाना चाहें,
आप सिविल सर्विसेज में आईएएस आईपीएस आईएफएस, स्टेट सिविल सर्विसेज में पीसीएस में जाना चाहें, जुडिशियल सर्विस में पीसीएस जे में जाना चाहें, एससीएस जे में जाना चाहें। अभी तक सहारनपुर में इन विषयों पर उन्नयन नहीं हुआ। तो कुंवर प्रणव सिंह ने जो दबंग बात कही है वो कोई फिल्मों वाले दबंग नहीं, दबंग अपने पर्सनैलिटी के अनुसार जो मेरा एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है उसमें जो गुण है उन सब गुणों का समावेश मैं सहारनपुर को देना चाहूंगा, शक्ति का, शिक्षा का, कॉम्पिटेटिवनेस का। सहारनपुर जो नहीं था आज तक और जो सहारनपुर डिजर्व करता है 1952 से आज तक, और जो कोई जनप्रतिनिधि नहीं करा सके, अपेक्षित विकास भी करा हुआ है, एक अलग पहचान बना के धरूंगा सहारनपुर की भारतवर्ष में, ये मेरा ध्येय है। सहारनपुर के पूर्व सांसद हैं राघव रतन पाल शर्मा, वो बड़े सरल व्यक्तित्व के आदमी हैं और इसी आधार पर वो जीते भी और इस बार वो इसी बार अपना पदभार मान रहे हैं। वो सरल, आप कह रहे हैं कि सरल और दबंग कैसे देखते हैं? देखिए दो चीजें, किसी व्यक्ति का क्या व्यक्तित्व है उस विषय में मैं कमेंट नहीं करूंगा, वो सबका अपना अपना अलग होता है। और इस बार वो जीते नहीं, इस बार वो हार गए, 2019 में राघव भाई हारे, 14 में जीते थे, 19 में हारे, और सरल व्यक्तित्व की वजह जीते हैं ये मैं नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी थी, मोदी जी का नाम था, उनके व्यक्तित्व का कोई रोल नहीं, क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं कर पाए सहारनपुर में जिससे उनकी पहचान हो या उन्होंने सहारनपुर को नहीं पहचान दी, अदम्य विकास कराया हो, शिक्षा के संस्थान खुलवाए हो, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जनरेट कराई हो, ऐसा कुछ उन्होंने या उनसे पहले किसी ने नहीं किया, खाली उनके लिए नहीं कह रहा हूं। तो मैं भी टिकट मांग रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का, देता हूं 4 बार का विधायक हूं, 3 बार मेरे पास मंत्री स्तर रहा है उत्तराखंड में, वरिष्ठ जननेता भी हूं, मेरी बिरादरी वहां पर है, 1.5 लाख से ऊपर गुर्जर समाज है, ओबीसी समाज मिलाने, सैनिक समाज, मुस्लिम समाज की बिरादरी मिलाने, 6 लाख मुस्लिम वोट है जिसमें ओबीसी 90% ओबीसी है मुस्लिम समाज में, मेरे साथ तो मुस्लिम समाज का युवा भी पूरी तरह से आ रहा है। उनका कहना है कि हमें काम करने वाला दबंग व्यक्ति चाहिए जो कि जुझारू हो, जनता कुछ कर सके, क्योंकि आपने 20 साल में वहां कुछ किया है, हम आपका देखते आए हैं और फेसबुक पे भी आपको देखते हैं कि 1.5 साल से आप पद पे नहीं है, लेकिन आप जैसे काम कर रहे हैं ऐसे आपका विधायक या मंत्री भी नहीं कर पा रहे। तो ये सब बातें इकट्ठी हो रही है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जनता कहती मुझे सहारनपुर में मुस्लिम समाज के लोग इस कदर प्यार करके बुला रहे हैं, जबकि मैं बीजेपी से हूँ, कहने को है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, लेकिन नहीं, मुस्लिम युवा मेरे कर्म से आकर्षित हो रहा, वो कह रहे नहीं चैंपियन को टेंडर मिलेगा, हम चैंपियन के साथ, अलग अलग बिरादरी, हमारा सैनिक समाज है, हमारा जाट समाज, हमारे राजपूत समाज, हमारे शर्मा समाज, हमारे कश्यप समाज, पंजाबी समाज, बहुत सारे समाज है, कई लाख वोट बीजेपी का, तो मैं चाहूंगा कि उनको जिता सके।